अमेरिकी अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहली बार एक निजी प्रक्षेपण से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। 30 मई को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू कैप्सूल नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर प्रक्षेपित हुआ। इसके अगले दिन यह कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ गया और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के सकुशल स्पेस स्टेशन पहुंचने से यह ऐतिहासिक मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। स्पेसएक्स का यह खास कैप्सूल ड्रैगन क्रू एक खास तरह का कैप्सूल है जो स्पेसएक्स कंपनी ने डिजाइन किया है। इसे फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। इसमें एक बार में 7 अंतरिक्ष यात्री भेजे जा सकते हैं। ड्रैगन 2 रीयूजेबल है, यानी कि बार बार उपयोग में लाया जा सकने वाला अंतरिक्ष यान है। यह ड्रैगन 1 कार्गो स्पेसक्राफ्ट की अगली पीढ़ी का यान है। इसके दो प्रकार में एक क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के काम आता है, इससे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर भी लाया जा सकता है। इस कैप्सूल की खासियत यह भी है कि इसमें अन्य किसी भी अंतरिक्ष यान के मुकाबले काफ़ी जगह है। पहली बार ऐसे कैप्सूल का उपयोग हुआ जिसमें 7 अंतरिक्ष यात्री एक साथ भेजे जा सकते हैं। उसकी ऊंचाई भी अमेरिका के पिछले अपोलो कमांड मॉड्यूल से ज़्यादा है। इस कैप्सूल में काफ़ी कम नॉब्स और बटन हैं। इनकी जगह कैप्सूल के टच स्क्रीन को ज़्यादा तरजीह दी गई है। इसमें 3 बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं जो पूरी तरह से टच स्क्रीन से संचालित होते हैं। इस कैप्सूल की सबसे खास बात यह है कि इसे डॉक किया जा सकता है, यानी कि यह खुद को अपने आप ही दूसरे अंतरिक्ष यान से जोड़ सकता है। इस मामले में यह इस लायक बनाया गया है कि यह खुद को स्वतः ही ISS से जोड़ सके, जिससे कि अंतरिक्ष यात्री ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आसानी से प्रवेश कर सके। यह सुविधा अब तक केवल रूस के सुयोज और प्रोग्रेस यान में ही उपलब्ध थी। डॉकिंग के अलावा दो अंतरिक्ष यान बर्थिंग प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। इसमें एक यान के वैज्ञानिकों को रोबोटिक आर्म का उपयोग कर जुड़ने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ऐसा तब ज़्यादा उपयोगी होता है जब दूसरा यान बेकार हो या दोनों यानों में डॉकिंग संभव ना हो। डॉकिंग के लिए दोनों यानों के जुड़ने वाले हिस्से में डिजाइन के स्तर पर समानताएं होनी जरूरी है। इस कैप्सूल में लॉन्च स्केप सिस्टम भी है जो इससे जुड़ा एक क्रू सेफ्टी सिस्टम है। इसमें कैप्सूल को प्रक्षेपण यान से अलग करने की क्षमता होती है। ऐसा आपातकाल की स्थिति में बहुत उपयोगी होता है जब मिशन को स्थगित करने की नौबत आती है। ऐसा तब होता है जब प्रक्षेपण यान में विस्फोट होने की संभावना होती है। इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो रॉकेट के विफल होने की फौरन पहचान कर लेता है और क्रू कमांडर के एक्टिवेशन करने पर यह काम करना शुरू कर देता है। नासा ने इस मिशन में स्पेसएक्स जैसी एक निजी कंपनी की मदद ली। इसकी कई वजहें बताई जा रही हैं। नासा 20 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन योजना पर काम कर रहा है। रूसी रॉकेट से लॉन्चिंग का खर्च लगातार बढ़ रहा था, इसलिए अमेरिका ने स्पेसएक्स को बड़ी आर्थिक मदद देकर अंतरिक्ष मिशन के लिए मंजूरी दी।